नुकसान हो चुका है और हमारी जो पहली जो चीखे सारी हमने फेल कर दी थी, कोयले हमारे गर्म हो चुके हैं अभी कबाब। अस्सलामुअलैकुम, मैं उज़ैर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम रेसिपी। तो व्यूअर्स, आज पूल का प्रोग्राम बनाया है, फुल नाइट एंजॉय करेंगे, आपको सारे मनाजर दिखाएंगे, बारबेक्यू का भी सीन किया हुआ है और बारबेक्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल बनाया है खुद, तो सारा सीन आपको दिखाएँगे, आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। पूल का सारा मनाजर है आपको हम दिखा रहे हैं, देखें आप माशाल्लाह। और गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो सारे दोस्त वगैरह, साथी भाई वगैरह सारे आएंगे, तो इंशाल्लाह सारे मनाजर आपको हम दिखाएंगे। अभी क्योंकि अंधेरा होने वाला है तो यहाँ पर जो ना रोशनी की थोड़ी कमी हो जाएगी, इसी वजह से सेवर लगा रहे हैं हम यहाँ पर ताकि रोशनी हो जाए। एक सामने ये सेवर जल रहा है और एक यहाँ पर ये सेवर लगा रहे हैं, लगा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और तीन वहाँ पर बड़े सेवर लगा लिए हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी रात को यहाँ पर माशाल्लाह सारा सीन ऑन हो चुका है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं फुल एंजॉय, तकरीबन बच्चा पार्टी सारी आ चुकी है, आप देख सकते हैं फुल एंजॉय है पूरी नाइट इंशाल्लाह। अबू जान भी आए हुए हैं और ये कीमे की तैयारी हो रही है माशाल्लाह। आहिस्ते आहिस्ते, हाँ हाँ, ये छोटी एक परी भी आई हुई है, मोमना, मोमना इसका नाम है। हाय हेलो, ये फर्स्ट शीख हमारी तैयार हो रही है कबाब की, देख सकते हैं ये बहुत ही मशहूर और पुराने कबाबी हैं, हमारे घर के बराबर में इनके अब्बू पहले ये शॉप में कबाब पकाते थे, अभी माशाल्लाह ये संभालते हैं। इनकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं शॉप की आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका कबाब का जायका भी होता है ना। और अबू जान आपको दिखा रहे हैं, अबू जान भी आए हुए हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त एंजॉय हो रही है, ये देखें। गर्मियों की इस सीज़न में अक्सर आया करते हैं, गर्मी बहुत है बाबा, गर्मी बहुत है, बेगर्मी भी। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त एंजॉय हो रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पूल है, ये मैं दिखा रहा हूँ मेरे मामू कैसे एंजॉय कर रहे हैं, देखो ये मामू फुल एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी का मज़ा ले रहे हैं। मेरे मामू को कहा था, मामू अभी जो जवानी वाला आपने मजा लेना है यहाँ पर, वैसे ही किया है मामू ने, वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं। अबू भी सामने बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, अबू भी एंजॉय कर रहे हैं। मामू कैसे जवानी वाला मजा ले रहे हैं ना, बिल्कुल। दिनों के बाद जो है ना वो बचपन में हम जाते थे दरिया, छोटे जो होते हैं ना उधर जाते थे, पानी जो आता है ना दरिया का बहता हुआ, अच्छा 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 अच्छा, छोटे छोटे जो, अच्छा नहरे, नहरे जो नहर, जिसको नहर कहते हैं, जी 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 जी, उसमें बहुत मजा होता था, इसका अलग से मजा है, इसका अलग से मजा है, पानी ठंडा है, पानी ठंडा, अच्छा अच्छा, एंजॉय हो रहे हैं ना माशाल्लाह फुल जबरदस्त। अच्छा कितने टाइम के बाद आए हैं आप? ये दो चार साल पहले भी आए थे। अच्छा चार साल के बाद आए आप, चार साल के बाद मामू आए इसी पूल में,
और अभी माशाल्लाह मज़ा कर रहे हैं सारे बच्चे, सारे अपने घर के बच्चे भाई सारे आए माशाल्लाह, फुल इंजॉय कर रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं। अभी तक जो है हमारी जो शीखें कबाब में, वो कबाबी भाई अब जो है क्या कहते हैं फिल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और तकरीबन जो है ना ये जो शीख है ना हमारे पास, खाली शीखें 60 थी, अभी ये फिल होती जा रही है आस्ते आस्ते सारी, ये देख सकते हैं आप लाइन लगी हुई है, कोयले बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जल चुके हैं। इनको तो आपने हमारे सिटी के अगर कोई भी देख रहा होगा वीडियो तो इनको तो आपने देखा होगा हमारी सिटी में, ये वागना गेट पे कबाब पकाते हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त टेस्टी इनका कबाब होता है। और इनके साथ ये हेल्पर हैं, बैठने का अरेंजमेंट दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर जो है सारा बैठने का अरेंजमेंट है, आम पड़े हुए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से, सारे पानी है ठंडा, आट पाट वगैरह और सारे प्लेटें वगैरह ये रखी हुई हैं यहाँ पर, फुल यानी फुल टाइम इंजॉय, पानी बिल्कुल इनका आमों का ठंडा हो चुका है, आम भी बिल्कुल बर्फ हो चुके हैं। हमारी जो कबाब की शीख है वो तैयार हो चुकी है, अभी समंद भाईजान उसको टेस्ट करेंगे कि बताएंगे कि कैसा जायका है। जी समंद भाईजान, हमको जहीर भाई की जहीर अब्बास की तरफ से दावत है, बिल्कुल ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास, अपना हाथ का कीमा तो अपने हाथ का कीमा होता है और घर का कबाब तो घर का कबाब है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, मसालों में भी अच्छा है, इतने तेज़ मसाले भी नहीं है, ज़बरदस्त। तो फिर देख सकते हैं सीन फुल ऑन हो चुका है और हमारी जो पहली जो शीखे सारी हमने फिल कर दी थी, कोयले हमारे गर्म हो चुके हैं, अभी कबाब पकना शुरू हो चुके हैं और फूल का जो सीन है वो भी आपको दिखाएं, अब्बू जान भी खड़े हैं सारे इंतजार में। सारे इंतजार में खड़े हुए हैं बच्चे और बड़े के कबाब पके तो हम खाएं, क्योंकि देर भी हो चुकी है, भूख भी लगी है सबको, देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह कबाब अभी हल्के हल्के तरीके से धीमी आंच पे पका रहे हम ताकि अंदर से भी ये पक जाए। ईद की हमारी आपको गिफ्ट है, ये जरूर ट्राई कीजिएगा आप, ये जो क्या कहते हैं रेसिपी हमारी, फुल एंजॉय है, सीन बिल्कुल आ रहे हैं आप देख सकते हैं, सारे तकरीबन हाफ फ्राई कर लिए हैं, देख सकते हैं आप अभी ये बकाया थोड़े से रह चुके हैं क्योंकि रोटी अभी जो भाई है वो लेने गए हैं, जैसे ही रोटी आएगी तो इंशाल्लाह ये गर्मा गर्म सबको सर्व करेंगे इंशाल्लाह। ये अब्दुल बारी भी खाने के लिए इंतज़ार में खड़े हुए हैं, इनको भी भूख लगी है, इनको भी भूख लगी है, ये भी देख रहे हैं ऊपर, इनको भी भूख लगी है क्योंकि भूख सबको लगी है, आयजा भी देख रही है ऊपर से कि आयजा भी खाने खाएगी, भूख लगी है आयजा को भी। हाँ ये निकाल रहे हैं अभी माशाल्लाह सबको सरवाइज करने के लिए, ये तो ये स्पेशल फूदने की चटनी घर में बनाई थी माशाल्लाह, जबरदस्त खाएंगे मजा आ जाएगा। मोमना मोमना भी माशाल्लाह एंजॉय कर रही है, सारी पलटन बैठी हुई है माशाल्लाह कबाब के चक्कर में, कबाब की पोजीशन भी आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह, दूसरे लगे हुए हैं कबाब माशाल्लाह, ये भी बस देर नहीं है अभी।
इंशाल्लाह। हमने भी अभी तक खाना नहीं खाया, हम भी भाई और हमने दोनों ने नहीं खाया, अभी हम भी खाएंगे दोनों इंशाल्लाह। तो अलहमदुल्ला सबने खाना खा लिया है अभी, क्योंकि जो अरेंजमेंट करता है वो आपको पता है आखिर में ही खाता है, तो अरेंजमेंट अलहमदुल्ला बहुत अच्छा हो गया है और मैंने अभी खाना अपना शुरू किया है खाना। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बना है अलहमदुल्ला। ईद में आप ज़रूर बात कीजिए घर में कीजिएगा और इसी तरह जाइए बात को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक सेकंड भाई क्या है वो भी आपको जो है इंटरव्यू थोड़ा सा देंगे, क्योंकि वो भी अभी भाई इंटरव्यू में लगे हुए थे। अच्छा खाना है सर, थोड़ा सा बताओ ना कैसे जायका वगैरह जायका अभी खाएंगे रात को आपको बताएंगे। भूख बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है, भाई के पास टाइम नहीं है बिल्कुल बात करने का, तो इस तरह से जरिए बात को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। कमेंट में बताऊंगा कैसे, कमेंट में बताऊंगा।